भेरू घाट से आगे जयपुर रोड पर बिजोरिया परिवार में एक परिवार की दास्ता सुनेगी तो आपकी रूहें कांप जाएगी। यहां बिजोरिया परिवार के विनोद बिजोरिया की कमर व पैरों में दर्द होने के कारण तबीयत खराब हो रही है। पिछले कई महीनों से ठीक नहीं होने के कारण घर पर ही खटिया पर लेटा सरकार से अरदास कर रहा है कि हे सरकार, जरा हमारी भी सुनो। तिरपाल से बने कच्चे मकान में विनोद बिजोरिया अपनी पत्नी मंजू बिजोरिया व चार बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है। मंजू बिजोरिया ने आप बीती बताते हुए कहा कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी आज तक सहायता नहीं मिली और नहीं हमारा राशन कार्ड बना है। मंजू बिजोरिया मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रही है। मजदूरी के अलावा मंजू सुबह शाम अपने पति की सेवा में लगी रहती है। बच्चे छोटे होने के कारण तिरपाल से बने मकान में ही पूरे दिन नन्ही पलकों से अपने पापा को निहारते रहते हैं। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उड़ने के लिए इनके पास कोई कपड़े भी दिखाई नहीं दिए। अब बिजोरिया परिवार के इस परिवार को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी संगठनों एवं भामाशाहों की, जो इनको मदद पहुंचा सके। मेरा राशन कार्ड नहीं है। काम होता नहीं है और मैं जाती हूँ काम करने के लिए, इससे पेट भरते हैं और पूरी सहायता होती नहीं है। चार बच्चे हैं, वो झुकी है और राशन कार्ड से गेहूँ मिलते नहीं, राशन कार्ड है नहीं, बेचता गरीब आदमी है, टाबर छह मरो नहीं।